पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शन गुप्ता। कल लद्दाख बॉर्डर पे जिस तरह से चाइना ने हमारे सैनिकों पर आक्रमण किया है और उन्होंने किस तरह से हमारे सैनिकों ने इसका जवाब दिया है वो तो सब आपने देखा सुना और पढ़ा है। लेकिन इसके ऊपर देश के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। इसके करिए हर आदमी जो है इस वक्त चाइना के ऊपर ये सोचने पे मजबूर हो गया है कि इस पे सिर्फ सैनिक ही युद्ध नहीं करेंगे, पूरा देश युद्ध करेगा। इसके लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कर्नल वी के साई जी को। कर्नल साहब से हम जानेंगे दोनों चीजें, डिफेंस के बारे में, सेना के बारे में, और ये चूंकि एक अखबार के एडिटर भी हैं, पत्रकार हैं, उनसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब दूसरी ड्यूटी जो इनकी है उसके मुताबिक हमें क्या करना है। साई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आदर जी। देखिए ये मुकाम किसी भी बड़े मुल्क की तवारीख में बार बार आते हैं। एक पहली योद्धा होने के नाते हमारी सेना इतनी सक्षम है, उस पर हमें इतना विश्वास है, इतनी सुदृढ़ है, इतनी ज्यादा अनुभवी है, उसका कारण यह है कि हमें जंग का मुसलसल मौका मिला है। सेकेंड वॉर से लेकर पिछले कल तक मैं नहीं समझता कि हम कोई ऐसे 18-20 महीने निकाल सकते हैं जबकि हमारी सेना कहीं ना कहीं गोलियां चला नहीं रही थी या झेल नहीं रही थी। सेकेंड वॉर खत्म हुई, 47 में इन्वॉल्व हुए, 47 का बुखार नहीं हुआ था, अर्ली 50s से मिजोरम नागालैंड का किस्सा शुरू हो गया, ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ 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 चलता रहा। 62 में चाइना से एक टोटल अनप्रिपेयर्ड तरीके से बाउट हुआ, उसमें सेना की जंबाजी में कमी नहीं थी, इक्विपमेंट की कमी थी, देश की तैयारी में कमी थी, पॉलिटिकल विल की कमी थी। हर एक एक जवान ने, एक ने सौ सौ को मारा और फिर सो गए संगीन पर सर झुकाकर। तो वहां भी हमारी फौज ने देश को लेट डाउन नहीं किया, देश ने हमारी फौज को लेट डाउन किया था। अच्छा हुआ जागरूकता आई, 65 में हमने धूल चटाई पाकिस्तान को, 71 में हमने उनके दो टुकड़े कर दिए। और जब ये सब चल रहा था तो ईस्टर्न थिएटर लागू था, फिर पंजाब का किस्सा हो गया, लगातार प्रॉक्सी वार जेएमके में चल रहा है। तो एक तजुर्बेकार फौज है, गोलियां चलाना और झेलना दोनों जानते हैं, और जम्मू वासी होने के नाते, इस डोगरा रीजन का होने के नाते, मैं जब कभी बाहर से लोग आते हैं वो कुछ कहते हैं क्या देखने लायक है, उनको मैं कहता हूँ एक ड्राइव मेरे साथ देखने लायक है, मुझे ऐसा गांव दिखा दो जिसके बाहर एक शहीद की मूर्ति ना बनी हो। तो वो जज्बा है हम लोगों का, जंग हुई है, जंग लड़ेंगे, जंग करेंगे, सिर्फ महाज पर फौज ही नहीं, हम सब उस जंग के लिए तैयार हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने कर्नल साहब की। अब देखना ये जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है। जी, 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 जी। चाइना की अपनी कुछ सेंसिटिविटीज हैं। एक तो हमने उन्हें 62 की जंग के बाद खुला छोड़ दिया था, 63 से, जून 63 से चाइना ने अपना रोड कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार हमारे बॉर्डर का साथ 3000 कुछ किलोमीटर उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं की, और अगर हम जाओ बड़े अजीब अजीब बहाने दिए जाते थे कि सड़क हम बनाएंगे जी, वो इस्तेमाल करेंगे, अरे हम चूड़ियां पहन के बैठे हैं क्या। 62 में भी वो वापस इसीलिए गए क्योंकि उनका रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे तैयार नहीं था, वो जहां तक आ गए थे वहां वो अपनी फौजों को मेंटेन नहीं कर सकते थे, तो उन्हें जाना पड़ा। पर हमने उनकी हार से या उनकी जीत से सीख नहीं ली, और टिल अबाउट 2014-15 में कुछ ये पास हुआ, एक कंस्ट्रक्शन शुरू करनी चाहिए,
हमने रोड बनाने शुरू की और आज हम क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को। देखिए एक वक्त ऐसा आ गया था हमने उनको इतना ज्यादा सर चढ़ाया था कि हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अरुणाचल प्रदेश जाने वाले थे, चाइना वाले कहते हैं कि यहां मत आओ ये डिस्प्यूटेड है और हम मान जाते हैं इस बात को। उसके बाद 3 साल पहले प्रधानमंत्री भी वहां गए, पहले हमारे गृह मंत्री वहां गए, उसके बाद राष्ट्रपति भी गए, एक बार रक्षा मंत्री भी गए, वही चाइना है। तो चाइना के अब कुछ भड़कने के वजूहात हैं। एक बड़ी वजह उसकी ये है कि हमने उनकी धौंस मानना छोड़ दिया जी। हमारा एरिया है जहां मर्जी जाएंगे जब मर्जी जाएंगे, हमारा एरिया है बॉर्डर तक पहुंचने के लिए हमें रोड्स की जरूरत है बनाएंगे, हमें बॉर्डर की चौकसी के लिए या ट्रुप्स को मोबिलाइज करने के लिए एयर स्ट्रिप की जरूरत है, एयर स्ट्रिप बनाएंगे। जब उनको लगा कि बिना लड़े जो उन्होंने धौंस बना के रखी थी 62 ऑनवर्ड्स टिल अबाउट 2013-14-15 वो धौंस उनकी नहीं रही, एक बड़ी भारी उनको परेशानी थी। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था ये उनको कई जगह थ्रेटन करता था, सबसे जो उनकी जगलर वेन, सबसे नाजुक जो हमने उनकी दुखती नर्व पर हाथ रखा वो था कि ये जो गोल्डी वाली सड़क हमने बनाई है ये सड़क ओवरलुक करती है उस इलाके को जहां से बिलियंस एंड बिलियंस डालकर उन्होंने एक पाकिस्तान के साथ हमारी ही जमीन के थ्रू इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की कोशिश की, उसको हम ओवरलुक करते हैं, उसको इंटरप्ट कर सकते हैं। साथ ही हमने क्लेम करना शुरू किया कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया जो हमेशा से हमारा था आज भी हमारा है, पर अब हमने कहा कि हम उसको ले लेंगे जी, जी। तो उनका जो बिलियंस का वहां का इन्वेस्टमेंट वो खटाई में पड़ा, उनका जो ट्रेड रूट वो सी रूट ढूंढना चाहते थे थ्रू पाकिस्तान वो पूरा जो फ्यूचरिस्टिक उनका इमेजिन्ड टू ट्रेड रूट था वो ब्लॉक हुआ। तो ये तो उनको एक बहुत भारी झटका था जी। रिसेंटली हमने उनका जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी रोक लगाई कि आप ऐसे ही पैसा यहाँ पर डंपिंग नहीं करेंगे, हम देखेंगे हमें क्या चीज चाहिए, क्या लेना है क्या नहीं लेना, ये कोरोना के बाद की बात है। इससे भी उनको बहुत झटका लगा। तो कई तरह से चाइना को लगा कि अब ये जो 62 के इन्फ्लुएंस में हम खामखा एक दहशत बनाकर बैठे थे, अब इस दहशत में ये मुल्क नहीं आने वाला, तो इन्होंने ये हथकंडा अपनाया। बिल्कुल सही कहा, हमारी सेना इतनी सक्षम है कि वो हर क्षेत्र में, चाहे वो करगिल हो, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे एलओसी का एरिया हो, चाहे इंटरनेशनल वॉर्डर, हर लिहाज से गर्मी में, सर्दी में, बर्फ में, मैदान में, हर जगह वो सक्षम है। और अब चाइना तो शायद अगर आप 62 की बात कर रहे हैं तो उसकी सोच पता जा तो बगल कहाँ वो गुम बैठे हैं कि आज के भारतीय सेना को नहीं देख पा रहे, उन्होंने देखा कल हाथों हाथों से हमारी वीर सेना ने किस तरह अपने बदला ले लिया वहीं पर, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। चाइना के दिमाग में जैसा आपने कहा दो चीजें थी, एक 62 की हिंदुस्तान कमजोर है उसको मतलब दिमाग से निकाल देना चाहिए, हमारी सेना जो है अगर युद्ध हुआ तो चीन को उनके घुटनों पे लाके देखती, और दूसरा जैसा मैंने आपको कहा आपका दूसरा जो कार्य है उसका है चाइना का जो इकोनॉमिकली जो है उसको खत्म करना है, वो हम कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आदर्श जी। देखिए एक फौज की आपने बात की, मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, मैंने कमांडो ट्रेनिंग किया था, कमांडो कोर्स में हमें सिखाए जाते थे और ये कहा जाता था कि कमांडो के हाथ से मरने वाला अपनी मौत का हथियार खुद लेकर आता है, और ये बात कल साबित हुई है। कर्नल बाबू संतोष बाबू, उनके साथ उनका एक
असिस्टेंट और एक जूनियर कमीशन ऑफिसर मुआयना करने गए थे कि वादे के मुताबिक जो डी एस्केलेशन करके चाइनीज ट्रुप्स ने पीछे जाना था कहां तक चले गए ताकि वो रिपोर्ट दे सकें आमियान क्वार्टर में भी इतना इतना उन्होंने डी एस्केलेशन का जो मसौदा तैयार हुआ था और जो एग्रीमेंट हुआ था इस हद तक उन्होंने पूरा किया। देखने गए थे बिना हथियार गए थे और बातचीत के तरीके से गए थे कि नहीं गए तो उन्हें बताएंगे भी यहां तक आपने जाने की बात की है। वो लोग तैयार होकर आए थे आयरन रॉड्स लेकर और वो कटीली तार लगाकर और डंडों के ऊपर वो कीले फिट करके जो पुराने स्टोन एज के हथियार हुआ करते थे उस तरह के हथियार सामने लेकर और पत्थर लेकर उन्होंने घेर कर इन तीन लोगों को शहीद किया। जैसे ही इनकी शहादत की आवाज आई या पता चला हमारी वो वर्किंग पार्टी जो रोड पर काम कर रहे थे या बिना हथियार थे वो जिसके हाथ में संबल आया गेंती आई बेलचा आया वो इनको बचाने गए और वहां उन्हीं रॉड्स उन्हीं कटीली तारों से चाइनीज से छीन कर और गुथम गुथा कुछ घंटे चलती रही। नतीजा पोस्ट में आ चुका है मीडिया में आ चुका है कि हमारे 11 वीर 10 वीर शहीद हुए और उनके 43 लोग काम आए। हमारे कुछ लोग जो वहाँ खाई में जी बहुत तेज बहता है उसका पानी भी अंदर जाता है नाला है उसमें बह गए वो टोटल कैजुअल्टीज हमारी 20 और उनकी 43 थी। जी 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 और ये अंत नहीं है बिल्कुल इस गद्दारी का इस बेईमानी का। मुनासिब मौके पर जिस तरह से हमने उड़ी का जिस तरह से हमने पुलवामा का हिसाब किया था हिसाब भी किया जाएगा। आदर्श जी मैं अब आऊंगा दूसरे सवाल पर जी और वो है कि देश को क्या करना चाहिए एक आम नागरिक को क्या करना चाहिए। और मैं सबसे पहली बात ये कहूंगा कि अपने मुंह को बंद रखना चाहिए। जोड़ी बात आप वो सवाल क्यों पूछते हैं जिससे आपका वास्ता नहीं है जी। एक प्रश्न मेरे पास आया कि जी हमारी मदद क्यों नहीं गई जी हमने एयर स्ट्राइक क्यों नहीं किया जी हमने हथियार क्यों नहीं किए। अरे आज क्या दिन एक ओपन डिक्लेयर्ड वॉर करने का है। कल पैनल पे एक सज्जन बनाए थे पाकिस्तान के साथ तो जी आप फॉरन फायर खोल देते हैं इधर क्यों नहीं खोला। मुझे उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ा कि हर मुंह को एक जैसा थप्पड़ नहीं मारा जाता उस मुंह की काबिलियत भी देख लेते हैं किसको कैसे थप्पड़ की जरूरत है। वहां पर वो हमारे पाकिस्तानी जो शेलिंग आता है हमारे गाँव में बच्चों को स्कूल में घरों में हलाक कर रहे हैं हमारे घर में बैठे बैठे लोग मर रहे हैं उनके साथ तो गिनती बेलचे से लड़ाई नहीं होगी पर जो डंडों से लड़ने आया है उसके साथ आप आर्टिलरी या एयर का इस्तेमाल करेंगे तो अननेसेसरी एस्केलेशन हो जाएगा और इसके जो लास्टिंग असर होते हैं फाइनेंस पर इकोनॉमिक पर उन सब चीजों को सोचना जरूरी है। तो बाय मेहरबानी मैं हर हिंदुस्तानी से कहता हूँ कि मुंह उतना खोलो जितना तुम्हें खोलना मुनासिब है। बिल्कुल सही बात। लोग कहते हैं जी 62 से अभी तक चीन ने हमला नहीं किया था अब क्यों किया वो बात मैंने अभी समझाई कि 62 से अब तक हम चरण स्पर्श करके माथा झुका के बैठे थे अब हमने सब ऊंचा किया है इसलिए वो काम जो उसने 62 से अभी तक नहीं किया था अब करना चाहता उनका इकोनॉमिक ब्लॉकेट हमने अभी तक नहीं किया था इसलिए वो हमसे पंगा लेना चाहता है क्योंकि आज हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसे हैं कि जब पूरा संसार COVID-19 की वजह से चाइना के अगेंस्ट है हम COVID-19 से दुखी हुए उन सब देशों के साथ हैं क्योंकि हम भी उन्हीं की तरह दुखी हैं। तो एक जैसे दुख वाले लोग अगर हम इकट्ठा हुए हैं और जो दुख देने वाला है चाइना जहां से के कोरोना निकला
वो कहता आप इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? अरे हमारी मर्जी, हमारी जमीन है, जहां मर्जी सड़क बनाएंगे, जहां मर्जी हेलीपैड बनाएंगे, हमारी पॉलिसी है फॉरेन की, हम जिसके साथ संबंध बनाएंगे नहीं बनाएंगे, हमारी इच्छा है। वो जिस तरह से पाकिस्तान को तकरीबन खरीद चुका है, जो वो हांगकांग के साथ करना चाहता है, जो वो बाकी अपने ममालिक के साथ करना चाहता है, जो वो नेपाल के साथ करने की कोशिश कर रहा है, क्या हमारे देश के साथ वो ऐसा कर सकता है? जो श्रीलंका के साथ उसने खेलने की कोशिश की, तो जिस तरह से वो छोटे 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 मुल्कों में जाकर और कहीं बेस बना दिया और कहीं की आइलैंड खरीद लिया और कहीं जमीन खरीद ली, भारत बिकाऊ नहीं है। भारत को आंखें दिखाकर जीता नहीं जा सकता। और मैं पूरे देश को कहता हूं कि हर बच्चा हाथ से लड़ेगा, दांत से लड़ेगा, नाखून से लड़ेगा, पर हार मानने वाला देश भारत नहीं है, नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल कंद साहब, मुझे जो जो प्रश्न आपसे पूछने थे बिना पूछे ही आपने बहुत ही तफसील के साथ बता दिया हमको, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सिर्फ सेना ही नहीं, हर नागरिक चाइना के साथ लड़ेगा। हम बहिष्कार करते हैं चाइना प्रोडक्ट का, सबसे पहले अपने दिलो दिमाग में ये बात बैठा रहे हैं, हमने चाइना की बनी हुई किसी भी चीज को नहीं लेना है, इकोनॉमिकली उसको नीचे गिराना है, वो खुद वहां घुटनों पे आ जाएगा। कल साहब आप स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।